क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा सातवें नकाब जन गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। 8 आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, घरेलू सामान और चोरी के 3-4 पहिया वाहन और 3-2 पहिया वाहन सहित लगभग 41 लाख रुपए का माल बरामद किया। शेष बरामदगी की कार्यवाही जारी है। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सर, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? बाकी का एक दो का तो आपने बताया, फिर बाकी का कोई खास वो नहीं है एजुकेशन का। आपराधिक रिकॉर्ड भी जो है वो भी प्रकाशित है, बताया। और आप भी जो है पिपलानी में कोई जगह में आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी सबका भी अभी आपराधिक रिकॉर्ड और पता नहीं। क्या ये अंतरा की गिरोह है? वैसे एक आदमी रहने वाला कर्नाटका का है, तो वहाँ की पुलिस को भी सूचना देगी, क्योंकि अगर वहाँ पर इसका रहने वाला है तो वहाँ पर ही कोई बैंक ऑपरेशन करके वहाँ भी जो भी अंजाम देता होगा, इससे इंकार नहीं किया जाए। छठे नंबर का आरोपी आशीष अग्रवाल ज्वेलरी का सामान खरीद कर रहा, 8 नंबर में गणेश पटना में, उसके बाद में ज्वेलरी का कुछ मशहूर का मिला है। और अब वहाँ पे आस्था में स्थाई एक जगह रह करके और उसके बाद जो है घटनाक्रम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।